फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टरी। फ्रेंड्स, अब तक हमने कई लार्ज के फंड्स का रिव्यू किया है, जैसे कि SBI ब्लू चिप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, रिलायंस लार्ज कैप फंड, और अभी रिसेंटली हमने कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का भी रिव्यू किया है। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड का और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का। दोनों ही फंड के रिव्यू हमने अपने चैनल पर कर चुका है, आप चाहें तो उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों ही लार्ज कैप कैटेगरी के टॉप फंड है। हमेशा ये कन्फ्यूजन बनी रहती है कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। आज के अपने इस वीडियो में हम यही बताएंगे आपको कि फ्यूचर में कौन सा अच्छा फंड है जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है और किस में रिस्क भी कम है। तो बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए और जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें और आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम इस सभी फंड का के डायरेक्ट प्लान का रिव्यू कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फंड इन्फो को। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का फंड हाउस है एक्सिस म्यूचुअल फंड, जो कि इंडियाज नाइन्थ बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। वहीं अगर हम बात करें ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की, तो ये इसका फंड हाउस है ICICI म्यूचुअल फंड, जो कि इंडिया सेकेंड बिगेस्ट फंड हाउस है। तो फंड हाउस के मामले में फ्रेंड्स, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड क्लियर विनर है। बात करें लॉन्च डेट की, तो दोनों ही फंड के डायरेक्ट प्लान को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को। लेकिन अगर रेगुलर प्लान की बात करें, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड को जो है लॉन्च किया गया था 5 जनवरी 2010 को, और ICICI प्रूडेंशियल को लॉन्च किया गया था 23 मई 2008 को। तो यहाँ पर देखा जाए तो ICICI प्रूडेंशियल ज़्यादा पुराना फंड है। एक्सिस ब्लू चिप फंड के ग्रोथ प्लान का NAV है ₹32.32 और ICICI प्रूडेंशियल का है ₹46.07। एक्सिस ब्लू चिप का AUM है 5,144 करोड़ और ICICI प्रूडेंशियल का AUM है ₹21,846 करोड़। अब फ्रेंड्स, हम यहां पर देख सकते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल का फंड का जो AUM है वो ज़्यादा है एक्सिस ब्लू चिप फंड के कंपैरिजन में। अब चूंकि फ्रेंड्स ये लार्ज कैप फंड है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी AUM की वजह से, बल्कि हाई AUM की वजह से यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि फंड पर इन्वेस्टर्स का कितना ट्रस्ट है। फ्रेंड्स, हमने फंड AUM पर भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का 9 साल में सिर्फ 5,144 करोड़ ही AUM है और ICICI प्रूडेंशियल का 11 साल में इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है AUM। लेकिन फ्रेंड्स, केवल AUM से ही कोई फंड अच्छा या ख़राब नहीं हो जाता है, बाकी के और भी जो है सभी पैरामीटर्स देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सिस ब्लू चिप फंड जब से इसने यह लॉन्च हुआ है, इसने 16.26% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम ICICI प्रूडेंशियल की बात करें, तो यह जब से लॉन्च हुआ है 15.11% का रिटर्न दिया है। अगर बात करें फंड मैनेजर के बारे में एक्सिस ब्लू चिप फंड के, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड के फंड मैनेजर हैं श्रेयस देवलकर और ICICI प्रूडेंशियल के फंड मैनेजर हैं अनीस तावकले और रजत चंदक। तो फ्रेंड्स, फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही फंड ठीक हैं। चलिए अब इन फंड के इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को देख लेते हैं। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में मिनिमम SIP 1000 से आप कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट इसमें 5000 है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप की बात करें, तो इसमें मिनिमम SIP 100 है और लमसम भी इसमें 100 है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ICICI प्रूडेंशियल में आप केवल 100 रुपीज़ से ही लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप SIP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंसेस की बात करें, तो एक्सपेंस रेशियो है 0.76 एक्सिस ब्लू चिप फंड का और ICICI प्रूडेंशियल फंड का जो है इसका एक्सपेंस रेशियो 1.21% है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ICICI प्रूडेंशियल का एक्सपेंस रेशियो एक्सिस ब्लू चिप की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, जबकि ICICI प्रूडेंशियल का एक्सिस ब्लू चिप से कम होना चाहिए एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि इसका AUM बहुत बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कि अच्छा नहीं माना जा सकता। अब हम देखेंगे इन फंड के पोर्टफोलियो को। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों फंड के एसेट एलोकेशन को। तो यहाँ पर देखिए, इसमें एक्सिस ब्लू चिप में इक्विटी में 88.45% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं डेट में 12.71% का। वहीं अगर हम बात करें ICICI प्रूडेंशियल का, तो इसमें इक्विटी में 91% का एक्सपोजर है और डेट में 3.36% का है इन्वेस्टमेंट। इसमें कैश एंड कैश इक्विटी एलोकेशन 5.52% है। अब नेक्स्ट हम दोनों फंड का सेक्टर एलोकेशन देखेंगे। यहाँ पर हम बेंचमार्क को जो है हम नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों ही फंड के बेंचमार्क अलग अलग हैं।
यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सिस ब्लू चिप फंड का ज़्यादा एक्सपोजर है, वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो थोड़ा कम है। इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड केमिकल्स, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि एक्सिस ब्लू चिप फंड में ज़्यादा एक्सपोजर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तुलना में। वहीं एनर्जी, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, मेटल्स, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में ज़्यादा एक्सपोजर है एक्सिस ब्लू चिप के कंपैरिजन में। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड के मुकाबले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सेक्टर एलोकेशन अच्छा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सेक्टर एलोकेशन एक्सिस ब्लू चिप फंड से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, पर फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं कि इससे एक्सिस ब्लू चिप फंड खराब हो जाएगा। अभी और भी कई पैरामीटर्स बाकी हैं, उनको भी देखना इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब अपने नेक्स्ट पैरामीटर्स को हम देख लेते हैं दोनों फंड के, जो कि है टॉप 10 होल्डिंग्स। फ्रेंड्स इसको भी देखना बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, इससे हमें यह पता चलता है कि फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट किस कंपनीज में लगा है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों ही फंड में सभी बड़ी और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है, तो होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही फंड ठीक हैं क्योंकि इन सभी कंपनीज में आगे चलकर अच्छा रिटर्न जनरेट करने का पोटेंशियल है। अब चूंकि फ्रेंड्स दोनों ही फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स अच्छी कंपनीज के हैं, इसलिए दोनों ही फंड में से टॉप 10 होल्डिंग्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उसके पोर्टफोलियो में वह फंड उतना ही अच्छा माना जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स अब हम दोनों फंड की कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन को देखेंगे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको भी आप कभी मिस ना करें। इससे हमें यह पता चलता है कि फंड का टॉप 10 स्टॉक्स का और टॉप 3 सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है पोर्टफोलियो में, और इसमें हम साथ में देखेंगे दोनों फंड के प्राइस टू अर्न रेशियो को। तो इस टेबल में देखिए एक्सिस ब्लू चिप फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 23 हैं, वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 57 है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में कम स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है, वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है। एक्सिस ब्लू चिप से दोगुना स्टॉक्स है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास। अब बात करें टॉप 10 स्टॉक्स के एलोकेशन की, तो एक्सिस ब्लू चिप के टॉप 10 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन 61.56% है, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के 43.79 से बहुत ज़्यादा है। और अच्छी बात भी है एक्सिस ब्लू चिप फंड के लिए, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि टॉप 10 स्टॉक्स का जो दोनों फंड में से जिसमें ज़्यादा होगा कंट्रीब्यूशन वो फंड अच्छा माना जाएगा। एक्सिस ब्लू चिप से दोगुना स्टॉक्स है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास। अब बात करें टॉप 10 स्टॉक्स के एलोकेशन की, तो एक्सिस ब्लू चिप में टॉप 10 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन 61.56% है, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के 43.79 से बहुत ज़्यादा है। और अच्छी बात भी है एक्सिस ब्लू चिप के लिए, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि टॉप 10 होल्डिंग दोनों ही फंड में अच्छे होने की वजह से जिस फंड में टॉप 10 होल्डिंग का एक्सपोजर ज़्यादा होगा वो फंड उतना अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर एक्सिस ब्लू चिप फंड विनर है टॉप 10 स्टॉक्स के कंट्रीब्यूशन के मामले में। टॉप 3 सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन एक्सिस ब्लू चिप में ही ज़्यादा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के कंपैरिजन में। एक्सिस ब्लू चिप में 62.66% का जो है कंट्रीब्यूशन है, वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में टॉप 3 सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 55.12% है। अब यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में टॉप 3 सेक्टर्स में कम एक्सपोजर होने की वजह से यह ज़्यादा डाइवर्सिफाइड माना जाएगा एक्सिस ब्लू चिप फंड के कंपैरिजन में, जो कि अच्छी बात है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लिए। प्राइस टू अर्न रेशियो की बात करें तो फ्रेंड्स एक्सिस ब्लू चिप फंड का प्राइस टू अर्न रेशियो ज़्यादा है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। हाई का मतलब है कि फंड में हाई ग्रोथ कैपेसिटी है, कई बार हाई प्राइस टू अर्न रेशियो ही अच्छा होता है फंड के लिए। चलिए फ्रेंड्स अब इन दोनों फंड के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, इसको भी आप कभी इग्नोर ना करें। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इन फंड्स के ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न को। यहाँ पर देखिए 3 मंथ टाइम पीरियड में एक्सिस ब्लू चिप फंड का 9.59%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के 5.76 और कैटेगरी के 6.33 से काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 5.76 रिटर्न कैटेगरी के 6.33% से भी जो है कम है, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा। 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स में भी यही हाल है। इन टाइम पीरियड्स में भी एक्सिस ब्लू चिप फंड का रिटर्न ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स इसलिए एक्सिस ब्लू चिप फंड यहाँ पर भी क्लियर विनर है। अब नेक्स्ट पैरामीटर में हम देखेंगे इन फंड्स के एनुअल रिटर्न को।
तो यहाँ पर देखिए हम दोनों फंड के एनुअल रिटर्न को कैटेगरी से भी कंपेयर कर रहे हैं। इसमें साल 2014 में एक्सिस ब्लू चिप फंड का ज़्यादा रिटर्न है दोनों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और कैटेगरी से, लेकिन साल 2015 और साल 2016 में एक्सिस ब्लू चिप फंड का रिटर्न काफ़ी कम रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और कैटेगरी के कंपैरिजन में। स्पेशली साल 2016 में निगेटिव में ही रिटर्न चला गया -2.64%, जो कि एक्सेस के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। साल 2017 और 18 में भी एक्सेस ब्लू चिप फंड ही आगे है। एक्सेस ब्लू चिप फंड ने साल 2018 में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और कैटेगरी के कंपैरिजन में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जबकि साल 2018 अच्छा नहीं था, बावजूद इसके इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब हमारा लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है रिस्क मेजर। इसमें हम देखेंगे दोनों फंड्स के स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, सार्फ रेशियो और अल्फा को। स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा कम प्रेफर किया जाता है, वहीं सार्फ रेशियो और अल्फा हाई प्रेफर किया जाता है। इसमें देखिए एक्सिस ब्लू चिप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 12.22% है, वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 11.7 है, कैटेगरी का 12.61 है, जो कि दोनों से ही कम है और ये अच्छा कंसिडर किया जाएगा। बीटा दोनों ही फंड का जो है कैटेगरी के 0.94 से काफ़ी कम है। एक्सिस ब्लू चिप फंड का बीटा 0.86 है, वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 0.82 है। सार्फ रेशियो की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का सार्फ रेशियो सबसे ज़्यादा है, वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी सार्फ रेशियो कैटेगरी से ज़्यादा है। एक्सिस ब्लू चिप फंड का सार्फ रेशियो 0.84 है, वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 0.76 है, और दोनों ही कैटेगरी से ज़्यादा है, जो कि अच्छा माना जाएगा। अल्फा में भी एक्सिस ब्लू चिप फंड दोनों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और कैटेगरी से आगे है, जो कि अच्छा माना जाएगा। एक्सिस ब्लू चिप फंड का अल्फा 2.29 है और आईसीआईसीआई का जो है 0.96 एंड कैटेगरी का -1.12% है। अब फ्रेंड्स, इन दोनों फंड्स का डिटेल कंपैरिजन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप फंड में ज़्यादा रिस्क है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से, और रिटर्न के मामले में एक्सिस ब्लू चिप फंड ज़्यादा आगे है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एक कम रिस्क वाला फंड चाहिए या थोड़ा अधिक रिस्क रहे लेकिन हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सके। अब फ्रेंड्स, अगर हमें इन्वेस्ट करना होता तो मैं एक्सिस ब्लू चिप फंड में ही इन्वेस्ट करता, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हूँ। वैसे ये दोनों फंड्स अच्छे हैं, आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इन फंड्स में 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट करें। फ्रेंड्स, एक्सिस ब्लू चिप फंड के ज़्यादा रिस्की होने के पीछे एक कारण यह भी है कि इसमें काफ़ी कम स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तुलना में, इसलिए रिस्क थोड़ा इसमें बढ़ गया है। और भी कई फैक्टर्स हैं इसके रिस्की होने की, पर हाँ, रिटर्न का भी पोटेंशियल इस फंड में काफ़ी अच्छा है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। हम आप सभी के कमेंट्स को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हीं के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाई जाए। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कई वैल्यूबल वीडियोस मिलेंगी, जैसे कि इसमें आपको 30 से भी ज़्यादा फंड के रिव्यू देखने को मिलेंगे। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर 20 वीडियोस के नियर अबाउट भी मिल सकते हैं, और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर भी आपको वीडियोस मिल सकते हैं। टॉप 5 फंड्स टू अवॉइड इन 2019 पर भी हमने वीडियो बनाया है, और टिप्स एंड ट्रिक के कई वीडियोस बनाए हैं। आप अपने फ्री टाइम में इन वीडियोस को जरूर देखें और हमें बताएं अगर आपको हमारे इन वीडियोस से हेल्प होती है तो। अपने नेक्स्ट वीडियो में भी हम लार्ज कैप कैटेगरी के ही 2 आउट ऑफ फंड्स का जो है कंपैरिजन करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।